हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या है और इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है और किस लिए किया जाता है के बारे में जानेंगे। आपने इस तरह के क्रिस्टल जो है काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बोर्ड्स में लगे हुए देखे होंगे और वास्तव में इनका प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है उसको खोल के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी लेग्स जो हमें बाहर दिख रही थी वो अंदर भी इस तरह से गई है और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी लेग्स के साथ में ये कुछ थिन फिल्म जो है ये दोनों साइड पे आप देखेंगे लगी हुई है। एक फिल्म जो है इस साइड की लेग के साथ अटैच है और एक फिल्म इस साइड की लेग के साथ अटैच है। साथ ही आप देखेंगे इन दोनों थिन फिल्म के बीच में ही यहाँ पे एक हमें पारदर्शी क्रिस्टल नुमा संरचना जो है देखने को मिल रही है। वास्तव में यही जो है यही क्रिस्टल है और यहाँ पे क्रिस्टल जो इस तरह के ऑसिलेटर में यूज किया जाता है वो अलग अलग मटेरियल का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्वार्ट्ज का भी यूज किया जा सकता है या रिसेल सॉल्ट का भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो क्वार्ट्ज या रिसेल सॉल्ट है ये वास्तव में एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर हम इस तरह के क्रिस्टल पे कोई दबाव डालते हैं तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अच्छा, इसका सबसे सही उदाहरण आपने अगर देखा होगा तो लाइटर देखा होगा। लाइटर में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग करके हम स्पार्क जो है वो जनरेट करते हैं और इसी तरह से अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें तो ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट होती है और उस तरह के आपने जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उनका उपयोग अलग अलग तरह के बजर में देखा होगा। बजर में इस तरह के क्रिस्टल का ही उपयोग करके हम जो है बजर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम उस बजर को देखें तो वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, वहां पे वो एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। यहाँ पे इसी तरह से इस तरह के क्रिस्टल का उपयोग करके हाई फ्रीक्वेंसी जो है उसे जनरेट किया जाता है। वास्तव में इसका उपयोग क्यों किया जाता है इसको अगर हम समझना चाहें तो पहले हमें आरसी और एलसी सर्किट्स को थोड़ा सा समझना होगा। वास्तव में जब कोई फ्रीक्वेंसी अगर हमें जनरेट करनी है तो यहाँ पे आरसी और एलसी सर्किट का उपयोग करते हैं, लेकिन आरसी या एलसी सर्किट का उपयोग जब हम करते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो है वो तापमान के प्रति काफी संवेदनशील होती है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है ऐसी स्थिति में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा ना हो के लिए हम इस तरह के क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टेबलिश होती है, यानी वो कॉन्स्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है टेम्परेचर अगर घटता है या बढ़ता है। तो इसीलिए ये ज्यादा परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर वास्तव में एक क्लॉक सिग्नल जो है वो प्रदान करता है। जो इससे आउटपुट सिग्नल हमें मिलता है वो क्लॉक सिग्नल होता है। तो यहाँ पे इसका उपयोग इसीलिए करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर की वजह से जो हमारा आरसी या एलसी सर्किट जो है वो प्रभावित होता था, आउटपुट आवृत्ति सही से कॉन्स्टेंट नहीं निकालता था, वो समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है जब हम इसको उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के क्रिस्टल का ही इसलिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वॉल क्लॉक का ये सर्किट जो है इसको अगर देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस वॉल क्लॉक के सर्किट में भी आपको इस तरह का एक क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें भी क्रिस्टल ऑसिलेटर है। इसी तरह से आप देखेंगे कि मोबाइल का अगर आप सर्किट देखें तो यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है लगा हुआ देखने को मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक आर्डिनो नैनो है और इसमें भी आपको एक क्रिस्टल जो है यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिलेगा। इसी तरह से और भी सर्किट्स हैं, जैसे हमारे डीटीएस का कार्ड अगर हम ले लें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है और यहाँ पे भी क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया गया है। ऐसे ही एलसीआर मीटर हमारे पास एक है, इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है इसका उपयोग किया गया है। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स जो होते हैं इनकी एक विशिष्ट ऑपरेटिंग रेंज होती है, यानी ये 40 किलोहर्ट्ज से लेके और हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आवृत्ति जनरेट करनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो ओपी एम्प का उपयोग करके सर्किट जो है उसकी डिजाइन करते हैं। जबकि अगर हमें काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो ऐसी स्थिति में हम बीजेटी या एफईटी का उपयोग करके सर्किट जो है उसकी डिजाइन करते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है आपने देखा होगा साइज में काफी कॉम्पैक्ट होता है। यहाँ पे आप घड़ी के सर्किट में देखेंगे काफी कॉम्पैक्ट साइज में हमको क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है ये देखने को मिल रहा है। और अगर इसकी जगह एलसी या आरसी सर्किट अगर हम निर्माण करते तो काफी जगह जो है वो बढ़ जाती, काफी बड़ा सर्किट हो जाता, तो इसलिए कॉम्पैक्ट है साइज में। अच्छा, लागत भी कम है, यानी ये काफी
सस्ते मिलते हैं, जिसके कारण इनका जो प्रयोग है वो व्यापक रूप से होता है। अच्छा, इनका प्रयोग घड़ियों के अलावा अगर आप देखेंगे तो जीपीएस सिस्टम यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में भी उपयोग किया जाता है, केबल टेलीविजन सिस्टम, वीडियो कैमरा, खिलौने, वीडियो गेम, रेडियो सिस्टम, सेलुलर फोन, टाइमर। और अगर इसका उपयोग अगर हम और बात करें तो यहाँ पे चूंकि इसके द्वारा जो आउटपुट क्लॉक सिग्नल है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहता है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्यूरेसी रहती है। तो यहाँ पे उसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में भी करते हैं, संचार प्रणाली, मार्गदर्शन प्रणाली, माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में, स्पेस ट्रैकिंग सिस्टम, माप उपकरण या चिकित्सा उपकरण, कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कई जगह पे इसका उपयोग होता है जहां पे एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम इस तरह के क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। टाइमर सर्किट में तो आपने देखा ही होगा, टाइमर सर्किट में भी इस तरह के क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक और डीटीएच का कार्ड है, मैं इसमें भी आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा है। अच्छा, इसकी साइज अलग अलग हो सकती है। मैंने अभी जो क्रिस्टल ऑसिलेटर आपको दिखाया, यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के क्रिस्टल ऑसिलेटर है। इसको भी हम खोल के देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है इसमें आप प्लेट्स जो है उनकी एरिया को अगर देखेंगे तो इसमें एरिया पहले के मुकाबले कम है। यहाँ पे मैं आपको पहले अच्छा एक चीज और दिखा दूं। यहाँ पे मैंने ये क्रिस्टल ऑसिलेटर खोला है, ये 12 मेगाहर्ट्ज का है। अच्छा, इसके अंदर का जो क्रिस्टल है वो आप देख पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे इसकी ये प्लेट्स हैं जिनके बीच में क्रिस्टल जो है वो लगा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर ये है, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है आप देखेंगे 4.433674 ऐसे करके इसका मेगाहर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी है। और इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसमें भी उसी तरह का क्रिस्टल जो है लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अंतर जो है वो आप अगर देखेंगे तो सबसे पहला अंतर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहला जो दृश्य अंतर हमको जो आसानी से दिख जाता है वो है इसके जो कॉन्टेक्ट है, जो बाहर से ये पिनें गई है अंदर, इनके साथ में जो कॉन्टेक्ट है इसको हम प्लेट्स कह सकते हैं। ये जो कॉन्टेक्ट एरिया है ये गोल गोल आप देख रहे हैं, इस साइड की प्लेट से जुड़ा है, और इस साइड का जो कॉन्टेक्ट है ये इस साइड की प्लेट से जुड़ा है, ये गोल गोल है, मेटल कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ पे इसके बीच में क्रिस्टल लगा हुआ है, तो इसका एरिया दोनों में आप देखेंगे कि इसमें काफी बढ़ा हुआ एरिया है, काफी बड़ी गोलाई में ये प्लेट्स जो है इनके बीच में क्रिस्टल है, इसमें एरिया काफी कम है। तो यहाँ पे जो एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है इसकी फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो इस एरिया पे निर्भर करती है, ये जो प्लेट्स का एरिया है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे जो कि काफी बारीक है, जो शायद आपको ना दिखाई दे पाए, यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है इसमें लिए गए क्रिस्टल की मोटाई पे निर्भर करती है। यानी यहाँ पे अगर मोटाई कम ज्यादा होती तो वहां पे फ्रीक्वेंसी जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी उसमें काफी बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर्स हैं इनमें फ्रीक्वेंसी में अंतर जो है वो जब करना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है मैन्युफैक्चरर जब इनका निर्माण करते हैं तो यहाँ पे मानक लिया जाता है कि इस फ्रीक्वेंसी के क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग इस सर्किट में किया जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो काफी ज्यादा तादाद में इस तरह के क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है उनका निर्माण करते हैं और उनको अपने स्टॉक में रखते हैं। अब जैसे जहां पे जैसी डिमांड है वो कंपनीज या वो लोग उसको परचेस करते हैं और उनको उन सर्किट्स में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कई सारी एप्लीकेशन हैं वहां पे अलग अलग तरह के क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग करके उन सर्किट्स को कंप्लीट किया जाता है। अच्छा, ये जब खराब हो जाते हैं, जैसे किसी सर्किट में अगर ये लगा हुआ है और अगर ये खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सर्किट जो है वो जो क्लॉक सिग्नल है वो सही से आउटपुट नहीं करता, तो ऐसे स्थिति में सर्किट जो है वो डेड हो जाते हैं। यहाँ पे या तो सर्किट जो रीडिंग दे रहा है उसमें गड़बड़ी आने लगती है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्रिस्टल ऑसिलेटर अगर खराब हो जाता है तो इसको आपको रिप्लेस करना होता है। हालांकि ये जल्दी से खराब होने वाले कंपोनेंट नहीं है कि ये आसानी से खराब हो जाए। तो इस तरह से ये क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है इनको आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन और अच्छे से करूंगा कि ये कैसे काम करते हैं, इनका सर्किट जो है वो कैसा होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।